तो फ्रेंड्स आज मैं 36 साइज का बैक साइड पे बोट नेक और फ्रंट पे कॉर्डरी ब्लाउज किस तरीके से काटना है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिखाऊंगी। तो फिर चलिए देख लेते हैं, पहले हम लोग बैक पार्ट काट लेती हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाऊंगी फ्रंट पार्ट कैसे काटना है। अलग अलग साइज के लिए एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक पार्ट का लंबाई लेती हूँ, तो लंबाई मैं यहाँ पे 15 इंच रखूंगी। 15 इंच रेडीमेड के हिसाब से होता है, इसको बराबर पहले मिला लेना है, दोनों पॉइंट को बराबर मिला लूंगी। अब यहाँ पे देखिए बैक साइड पे बोट नेक की तरह है, लेकिन बोट नेक नहीं है, उसी हिसाब से शोल्डर देखिए, जितना भी आपका शोल्डर होगा उसको हाफ कर लेना है, उसके साथ आपको सिला मार्जिन हाफ इंच ऐड कर लेना है। तो 36 साइज पे मिनिमम 7.5 इंच होता है, अगर किसी के शोल्डर बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे 7.25 होता है, तो इससे भी ज्यादा हो सकता है, हर किसी का अलग अलग होता है, उसी हिसाब से देखिए नॉर्मली ये दोनों मेजरमेंट आता है। तो मैं बस 7.5 इंच पे दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे देखिए 1.25 इंच हमें डाउन करना है, 1.25, क्योंकि ये बोट नेक की तरह है लेकिन बोट नेक नहीं है, जिसके कारण आपको 1.25 डाउन करना है। अब यहां से हमें आर्मोल के लिए लेना है, तो आर्मोल के लिए यहां से देखिए मैं 6 इंच से 200 ज्यादा रखूंगी, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, तो हो गया है। अब यहां से देखिए हमें छाती का चौथा हिस्सा लेना है, यहाँ पे बराबर नहीं हुआ है 7.5, इसमें बिल्कुल बराबर होना है, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो गया है, इसको सीधा कर लेना है। अभी देखिए छाती का चौथा हिस्सा हमें लेना है, 36 का चौथा हिस्सा हमें यहाँ पे 9 इंच पे निशाना देना है। तो यहाँ तक हो गया, इसको पहले सीधा कर लेती हूँ, चेस्ट का मेजरमेंट मिला है, इसके साथ हमें 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, रेडीमेड के लिए 3 इंच है और नॉर्मली 2.5 इंच लेना है, अगर आप अंदर ज्यादा फेब्रिक नहीं रखना चाहते उस टाइम पे 2 इंच आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच रख के दिखाऊंगी। तो टोटल देखिए यहाँ पे जितना हुआ है, इससे आपको 1/2 इंच कम कर लेना है यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आता है कितना लेना है तो सीधा 1/2 इंच कर लीजिएगा, बराबर हो जाएगा। अभी यहाँ से यहाँ पे देखिए आर्महोल के लिए लगभग 2 सूत के आसपास यहाँ पे अंदर की तरफ से लेना है, इस तरफ देखिए अंदर की साइड से थोड़ा सा लेना है, लगभग 1 सूत के आसपास यहाँ पे ऐसे लेना है। तो आर्महोल का मेजरमेंट यहाँ पे हो गया है, इस तरीके से आपको आर्महोल के लिए मेजरमेंट लेना है। अब नेक का चौड़ाई देखिए यहाँ पे मैं 3.5 इंच रखूंगी, इस ज्यादा आपको नहीं लेना है। अभी बैक साइड पे देखिए आप चाहो तो 3 इंच भी दे सकते हो, 3.5 इंच भी दे सकते हो, जितना चाहो आप उतना ही यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3.5 इंच लिया, इसको पहले सीधा मिलाना है, यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पे गुलाई देना है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे चाहो कोई भी डिजाइन आप कैसे भी करके यहाँ पे दे सकते हो, जो डिजाइन आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से दे सकते हो, या बिना डिजाइन से भी आप यहाँ पे काट सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे भी कोई भी डिजाइन आप दे सकते हो, यहाँ पे अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए टक्स के लिए मैं 5.5 इंच पे रखूंगी और ऊपर की तरफ देखिए मैं 6 इंच उठाऊंगी, इसको सीधा मिलाना है। तो ये टक्स के लिए भी हो गया है, अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है, अभी यहाँ पे ये काट कर लेना है। देखिए जो बैक पार्ट मैंने काट किया था इसको देखिए इस तरीके से रखना है और इसके हिसाब से पहले निशाना हमें लगा लेना है। अब इसको हटा लेना है। देखिए यहाँ पे जो निशाना है यहाँ तक बैक पार्ट था, लेकिन यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। देखिए
वन एंड हाफ पीस, क्योंकि ये डायरेक्ट फैब्रिक पे काटिंग होता है जिसके कारण आपको वन एंड हाफ पीस डायरेक्ट एक साथ काट कर लेना है। तो इस तरीके से जब काटिंग होता है उस टाइम पे अलग से आपको कहीं पे कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन और नहीं लेना है, एक साथ पूरा मिल जाता है। अभी देखिए, पहले आपको फ्रंट अनमोल के लिए शेप देना है। यहां से आपको ये जो मेजरमेंट है, यहां से आपको 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है। इसको पहले तिरछा करके इसके साथ मिलाना है। जितना बैक साइड पे अनमोल था उतना ही यहाँ पे लेना है। 6 इंच पे 200 ज्यादा था, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको मिला लेना है। अभी देखिए यहाँ पे शेप देना है। इस तरीके से ये शेप हो गया है। अभी ये जो है ये आपको नहीं चाहिए, ये चाहो तो आप मिटा भी सकते हो, ये आपकी जरूरी नहीं है। देखिए इस तरीके से ये फ्रंट के लिए हो गया है। तो इस तरह का जब ब्लाउज होता है तो फ्रंट के लिए आपको जरूर शेप देना चाहिए। अब यहाँ से देखिए फ्रंट से डीप कितना लेना है, मिनिमम 7.5 पीस आपको लेना है। तो यहाँ पे दिखाऊंगी, तो पहले दिखाऊंगी 7.5 पीस लेने से कैसे होता है, और जिनको फ्रंट साइड में डीप छोटा चाहिए, बहुत ही छोटा चाहिए, उस टाइम पे कैसे देना है वो भी मैं दिखाऊंगी। पहले डीप मेक का दिखा देती हूँ। अब इसको सीधा मिलाना है यहाँ पे। अभी देखिए नेक का चौड़ाई आप कितना ले सकते हो, इस तरह का जो ब्लाउज होता है तो मिनिमम आपको 3.5 इंच लेना है। अगर चाहो तो 1.25 इंच भी आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच रखूंगी। अभी यहाँ पे शेप देना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ से लेना है। देखिए इस तरीके से ये ले सकते हो। तो यहाँ पे फ्रंट के लिए हो गया है। अभी हमें कॉटरी के लिए लेना है, बास्ट पॉइंट निकाल लेना है। यहाँ से देखिए 6 इंच पे एक निशाना देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से 1.25 इंच पे और एक निशाना देना है। अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है उस टाइम पे आप 6 इंच पे रख दीजिएगा। तो यहाँ से हमें कटोरी लेना है। अभी कटोरी देखिए आपको कितना लेना है। आप यहाँ पे चाहो तो 8 इंच भी ले सकते हो, 8.5 इंच भी दे सकते हो। अगर फुल बस्ट बहुत हेवी है तो 9 इंच भी ले सकते हो। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे 8.5 इंच रख के आपको दिखाऊंगी। तो जितना मिला है उसको हाफ कर लेना है। इसको पहले सीधा कर लेते हूँ। इस तरफ देखिए आप चाहो तो 1 इंच से 2 सूत भी उठा सकते हो, 1.2 सूत इतना भी उठा सकते हो या 3 सूत भी उठा सकते हो। 1 इंच से 2 सूत ज्यादा देने से ब्रा की तरह उतना उभरा हुआ शेप नहीं होता है, नॉर्मल होता है। और 1 इंच से 3 सूत ज्यादा देने से इसका शेप बिल्कुल ब्रा की तरह होता है, आप उसी हिसाब से भी दे सकते हो। अभी सेम आपको इस साइड पे देना है 1 इंच से 3 सूत। अभी तीनों पॉइंट को हमें मिलाना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे बराबर मिला देना है, इस तरीके से नहीं रखते हैं। अभी जो पॉइंट है इसके साथ मिलाना है। तो यहाँ पे कैसे मिलाना है देखिए, आप चाहो तो यहाँ से जो 6 इंच है यहाँ पे 6 इंच पे भी मिला सकते हो, 5.5 इंच पे भी मिला सकते हो, या आप कहीं पे भी मिला सकते हो। तो मैं देखिए फिर 6 इंच में मिला के दिखाती हूँ। अभी इसको देखिए इसके साथ मिलाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आना है, क्योंकि उरेब नहीं है। अगर आप उरेब करते हो उस टाइम पे लेने का जरूरी नहीं है, सीधा आप रख दीजिएगा। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, नेक पे भी हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप और भी थोड़ा गहराई से देना चाहते हो दे सकते हो। तो यहाँ तक देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे का पार्ट लेना है। यहाँ पे मैं 4.5 इंच रखूंगी, इसको सीधा कर लेना है 4.5 इंच पे। इस तरफ आपको हाफ पीस नीचे की तरफ डाउन करना है, और इस तरफ देखिए जितना ऊपर की तरफ होगा उतना आपको सेम नीचे की तरफ लेके आना है। अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है। अभी यहां से देखिए 1.25 इंच उठाना है, इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है।
तो ये हो गया है यहां तक। अभी देखिए यहाँ पे कितना देना है, ये चाहो तो यहाँ से पूरा मेजरमेंट करके भी दे सकते हो, या आपको इस तरह से देने में दिक्कत होता है तब आप एक काम कीजिएगा, इसका जो मिडल है, ये मिडल है, मिडल से थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे उठा लीजिएगा। उठा के देखिए इसको तिरछा करके देना है, ऐसे ऐसे तिरछा करके देना है, ऐसे सीधा आपको इस तरीके से आपको नहीं देना है, ऐसे तिरछा करके देना है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो सिलाई करने के बाद अंदर की तरफ से आपको काट कर लेना है। तो यहाँ तक ये हो गया है। अब भी रह गया है नीचे का बेल्ट। बेल्ट के लिए आपको क्या करना है, पहले आप चाहो तो इसको सीधा निशाना लगा सकते हो। बेल्ट के लिए हमेशा आपको बैक पार्ट का चौड़ाई लेना बहुत जरूरी है, यहाँ तक है, इसको हटा लेना है। अभी देखिए मिडल में पहले यहाँ पे हल्का सा उठा लीजिएगा, इस तरीके से हल्का सा उठा के ऐसे दीजिएगा, इसके साथ मिला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे। तो देखिए मिडल पे हमेशा आपको मिनिमम 4 इंच लेना है, फैब्रिक ज्यादा है तो 4.5 इंच लीजिएगा, अदरवाइज 4 इंच लीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा लेने से अच्छा होता है। इसको देखिए ऐसे मिला लेना है दोनों साइड पे, इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देना है। यहाँ पे आपको बेल्ट पे क्या करना है, मिडल पे थोड़ा कम रखना है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रखना है, और इस साइड पे यहाँ पे थोड़ा और भी ज्यादा रखना है। इस तरीके से काट करने से आपका बेल्ट तैयार हो जाएगा। बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेने का भी जरूरी नहीं, सिर्फ यहाँ से लंबाई थोड़ा लेने से हो जाता है, अदरवाइज दोनों साइड मेजरमेंट लेने का जरूरी नहीं होता है, आपसे तिरछा करके ऐसे काट करने से बेल्ट हो जाता है। यहाँ पे ये जो ब्लाउज है पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो स्लीव्स के लिए मैं हमेशा जिस तरीके से बोलती हूँ, यहाँ से मेजरमेंट लेती हूँ बैक साइड से, आप उसी तरह स्लीव्स के लिए मेजरमेंट ले लीजिएगा, आपका यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जिन लोगों का डीप छोटा चाहिए फ्रंट के लिए, वो कैसे दे सकते हैं वो यहाँ पे अभी थोड़ा दिखाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पे पहले इसको मिटा लेती हूँ, देखिए जिनको फ्रंट साइड पे डीप बहुत ही कम चाहिए, 5.5 इंच चाहिए, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट मिला था जिनको 5.5 इंच फ्रंट साइड पे डीप चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं। देखिए 5.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया, अब इसको सीधा कर लेना है, ये हो गया है। अभी नेक का चौड़ाई ले लीजिएगा आप 1.25 इंच या 3.5 इंच, देखिए 3.5 इंच दिखाती हूँ यहाँ पे, ये हो गया है। अब यहाँ पे गुलाई देना है, तो यहाँ पे ये हो गया है। अभी देखिए वो कॉटरी का तो यहाँ पे साइज है बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा उस टाइम पे। अभी यहाँ से देखिए कॉटरी के लिए पहले 6 इंच निशाना लगा लीजिएगा, उसके बाद जैसे है बिल्कुल वैसे यहाँ पे कर लीजिएगा, हो जाएगा यहाँ तक। फिर देखिए आपको क्या करना है, ये जो शेप है कहाँ से आपको देना है, इस टाइम पे आपको देखिए 5 इंच से आपको लेना होगा, जो यहाँ पे छोटा नेक है तो 5 इंच से आपको देना है, देखिए तब इस तरीके से ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा है फ्रंट की तरफ, तब यहाँ पे मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, और यहाँ से थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ ऐसे कर दीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे कर दीजिएगा। अभी ये जो निशाना है इसके साथ तिरछा करके आपको मिलाना है, देखिए यहाँ पे दोनों में देखिए बहुत ज्यादा अंतर है, उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ इतना था, अभी देखिए कितना ज्यादा हो गया। जब इस तरीके से फ्रंट साइड पे बहुत ही छोटा नेक होगा तब सिलाई के बाद देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो फैब्रिक है यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहनने में बराबर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हुक होगा, यहाँ पे एक होगा, और यहाँ पे भी और एक हुक होगा, और जो पेन मैंने पहले किया था उसमें क्या होता था, यहाँ पे एक हुक होता था और यहाँ पे एक, मिरर पे कुछ भी नहीं होता था। तो यही दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी जितना मेजरमेंट जैसे है बिल्कुल वैसे ही रख देना है, सिर्फ आपको यहाँ पे नेक पे छोटा कर देना है। ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पे छोटा होगा तब यहाँ पे देखने में ऐसे लगेगा, पहले जैसा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, यही सिर्फ आपको यहाँ पे करना है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है जिनको ब्राकर ब्लाउज पे फ्रंट साइड पे नेक डिप छोटा चाहिए उनको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये कहाँ पे क्या करना है। बाकी सब मेजरमेंट एक जैसा होता है, सिर्फ नेक पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलग करना है और कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।